कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, रब करे मुझे किसी की नजर ना लगे। वाओ मिंटी, कितनी सुंदर मेहंदी है। तुम्हें पता है आज ना प्रॉपर मेहंदी वाली फील आ रही है। कनाडा में तो मैं ऐसे ही लगवा के खुश हो जाती थी। तो जीजू का नाम लिखवाना, आप ना जीजू का नाम लिख दो। नाम क्या है? मेरे ना ये कनाडा वाले चाचा जी की बेटी है, बड़ी हाई फाई इंग्लिश बोलती है। आप इंडिया घूमने आए हो? नहीं, एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है उसके लिए। एकम जी वेलकम। तुम्हें बताया था ना इनकी बेटी के बारे में। क्या नाम है उसका? आसमा। आसमा बहुत ही प्यारी बच्ची है, एक ही बार मिला हूं, बच्चे ने दिल में जगह बना ली। आप लोगों से इतनी तारीफ सुन सुन के ना भी मेरा भी दिल कर रहा है उससे मिलने का। इस बात का ख्याल तुम रखोगे कि एकम रंधावा का साया भी आसमा पे ना पड़े। और कौन है तेरे साथ? अरमान वो लड़की है ना तेरे साथ? बॉय गोड, तेरी जान ले लेनी है मैंने। ओ ठंड रख, एक मिनट बात करने देना। ओ मेरी मिठी, मेरी बंती गाल सुनना। तुम लोग दोनों को ना ऐसे समझ में नहीं आएगा। नाम बताओ अपना, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। नाम हथेली ते दिल ते नाम। ओए, ओए। नाम नहीं बताना, पुलिस को फोन करने वाली है वो। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। ओए, नाम पूछ रही है, पुलिस की धमकी दे रही है। धमकी नहीं दे रही हूँ, कर रही हूँ कॉल। नाम बताओ, नाम बताओ अपना दोनों। शक्ल तो देख ली उसने, तेरे जैसे बहुत घूमते हैं, कोई नहीं ढूंढ पाएगा तुझे। सही कह रहा है जग्गी, पंजाब में बहुत है तेरे सीखने वाले। आगे क्या करें? ओ, वो रुकना कुड़िये। बताती हूँ मैं तुम लोगों को, एक सेकंड रुको। बात तो सुन, रिक्वेस्ट कर। नहीं आसमान, डोंट कॉल द पुलिस। स्मेल तो गोलगप्पे के पानी की आ रही है। ये तो कर क्या रहा था है? गोलगप्पे खाते खाते पानी के ड्रम में गिर गया था क्या? ओह, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझो चाची, गोलगप्पे का पानी है और डूब के जाना। देख लो परजाई जी, ब्याह की उम्र होगी आपके पुत्र की, हल्दी मेहंदी लगाओ इसे। लेप शेप से कुछ नहीं होना इसको। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो सीधा हो। वाहेगुरु, जिसके नाम की हल्दी लगनी है वो तो अभी मुंह सजा के बैठी होगी। अरमान आराम से बैठ। बेबी दीदी पानी लाओ। मैं बता रही हूँ ये पक्का किसी कुड़ी शुड़ी का चक्कर है। हैं? बोलता क्यों नहीं हूं? अब ये फोन नहीं उठा रहा है मेरा। माना कि जब इसने मुझे फोन किया था मैंने नहीं उठाया, पर अब तो मैं फोन कर रही हूँ ना, उठाना चाहिए नहीं इसे मेरा फोन। गुस्से में मैं हूँ, एटीट्यूड वो क्यों दिखा रहा है? सोया चाम, हाँ? बैग के खा ले। लखा पल। हाँ। टेस्टी है ना? स्वाद आ गया। पर जाई, ये मसाला अमृतसर से लाया कोई? घर में तो खत्म हो गया था ना? नहीं नहीं दीदी, यही का है, अब यही मोगे में सब कुछ मिलने लगा है। अच्छा, कहीं मनोहर मसाले वाले से तो नहीं मंगवाया, जिसकी दुकान एकम रंधावा की गली में है? गया स्यापा। सुखी, ये क्या कर रहा है तू? नहीं खाना मुझे ये खाना जिसमें मेरे दुश्मन की गली से कोई सामान आया हो। दिखता है, शादी के मामले में तो डेफिनेटली कोई भी ना अपनी बेटी की शादी तुम जैसे लफंगे से तो कभी नहीं करवाएगी। वाह वाह वाह, तेरे
सदके जावा। तुझे क्या लगता है, तेरा फ्यूचर ब्राइट है मिस कनेडा? आसमा जो भी है, इससे तो अच्छा कनेडा की बूढ़ी होती। कुछ रहा? कुछ बोलने तो देती नहीं। ऐसे ही करना। सस्त्रकाल जी। सस्त्रकाल जी। एक्चुअली यहाँ पे जो लेडीज है ना, मुझे उनके इंटरव्यू और कुछ पिक्चर्स लेने हैं, मैं ले सकती हूँ? कैसा इंटरव्यू? ये फुलकारी पे एक रिसर्च कर रही हूँ उसके लिए। बढ़िया काम कर रहे हो ना? हाँ। प्लीज आंटी देखिए, मैडम आप फोटो वगैरह ले सकते हैं, इंटरव्यू शाम को लेना, और हमारा ना बहुत सारा काम चल रहा है, देख रहे हैं ना आप? आंटी हम एक्चुअली आपको गवर्नमेंट से ग्रांट भी दिलवा सकते हैं, छोटा सा इंटरव्यू आंटी प्लीज। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, मैंने आज ही ऑर्डर तैयार करके देना है। अरे अगर पकड़े गए तुम मेरा सौरा तो हम दोनों को अंदर कर देगा ना। एक प्रॉब्लम और है, ये मेल और फीमेल की जेलें दोनों अलग अलग होती हैं, फिर मैं कैसे रह पाऊंगा तेरे बिना? तू हर टाइम इतनी नेगेटिव बातें क्यों करता है? आज इतनी बड़ी गुड न्यूज है हमारे लिए, इतनी खुशी की बात है, हम कनाडा जाने वाले, पक्की हो गए। और आज इसी खुशी की बात पे मैंने तेरा मुंह मीठा कराना है। अच्छा, ये तेरा सरप्राइज। मैंने बनाए हैं सिर्फ तेरे लिए। सच्ची? मुच्छी? तूने बनाए? मैंने बनाए। खिला। मीठा थोड़ा ज्यादा है। मीठा? लेकिन मैंने तो नाप की चीनी डाली थी। हो मिठी है, बाकी मिठास तेरे हाथों की है। परफेक्ट बना। तेरे जैसा को भूल भी चुकी होगी। मैं नहीं भूल, मुझे जन्म देने वाली माँ सिर्फ आप, मुझे बस आपके साथ रहना। नहमत रंधावा ने मुझे छीना है आपसे। माँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे अभी एजेंट के पास जाने पासपोर्ट लेने। हाँ बाय आलिया, लव यू। मैं कभी भी तुझे अपनी बेटी के करीब नहीं आने दूंगी। और मैंने तुम पर इतने केस फाइल किए हैं कि तुम कभी इंडिया में एंटर नहीं कर पाओगी। तेरे माँ को कुछ मत करना। देख रही है नहमत, नफरत का पौधा जो मैंने लगाया था आज वो कितना बड़ा पेड़ बन चुका है। नहमत तेरी आलिया अब मेरे पास आएगी और मैं उसे बर्बाद कर दूंगी और तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। तुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है कि एकम और मेरी बेटी आसमा वहाँ तेरे आसपास है। एक बार आलिया कनाडा आ जाए उसके बाद चलाऊंगी मैं अपना ब्रह्मास्त्र। देश में